YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रोने नहीं देता है जी। अगर कोई आया पूछने के लिए कि का है पंडित जी का हाल चाल बा, अरे हाल चाल का बा मरत नहीं की बस ये हाल चाल का बात है, तो चारों ओर देखते थे कि सुन तो नहीं रहा है, सुन लेगा कि ये हमारे शिकायत कर रहे हैं कि धुंधकारी हमरा के परेशान की लेबा, तो उसी समय छाती पर चढ़ बैठता, हमार नाव ले लेके दुखरोवन रोतड़ो, 10 दिन के बाद मरे कहबत यही घर ढठिया दे, ये हाल था बेटे। क्या बताऊं, अब कहीं रोने भर की जगह नहीं है, अब क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता है। तब बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन, श्री गोकर्ण जी ने सुनाना समझाना शुरू किया, हे बाबूजी और लोग पैसा की कमाई करके ला करके बाबूजी को देते होंगे लायक पुत्र, लेकिन हम पैसा की कमाई तो नहीं किए हैं, हम ज्ञान वैराग्य की और प्रेम भक्ति की कमाई किए हैं, तीर्थों में घूम घूम के संतों के यहाँ से, और उस अपनी कमाई में से हम पवित्र कमाई में से आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब कि हम ज्ञान आपको दे सकते हैं। अब ज्ञान से क्या होगा, बोले देखिए ज्ञान से क्या होता, बबुआ से क्या होगा वो तो देख लिए, अब ज्ञान से क्या होगा, उपदेश से क्या होगा और भक्ति से क्या होगा और सत्संग से क्या होगा, अब इसका भी सब तमाशा कर देखा, अब ये भी तमाशा करके देख, अब ये भी करके देखा, घर छाई देख ली, घर छोप देख ली, अब वो लेना तो घर फूक देख ली, अब ये भी सब तमाशा कर लिए, अब ये भी तमाशा करके एक बार देखो। तब समझाना शुरू किए, तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुत बोधयामास जनकम, जनकम बोधयामास, पिता को समझाने लग गए, बोध देने लगे, ज्ञान देने लगे। वैराग्यम परिदर्शयन, पिताजी लोहा को ऐसे ठेठाने में हाथ में चोटें लगेगी, वो टस से मस नहीं होने वाला है, न टेढ़ होगा न सोझो होगा, तब अत गरम करके लोहा को, मुटका लोहा को गरम करके आप पीटिए, तो चापट करना चाहिए तो चापट हो जाएगा, गोल करना चाहिए तो गोल हो जाएगा, नोकदार करना चाहिए तो नोकदार हो जाएगा। इसी तरह से गरम लोहा को पीट करके और उसको जैसा चाहे आकार दिया जा सकता है, इसी तरह से आपके हृदय में अभी पश्चाताप की आग सुलग रही है, आपकी आत्मा इस समय लाल लोहा के समान तपी हुई है, इस समय अगर मैं वचन की चोट दूंगा तो आप भक्ति ज्ञान वैराग्य के सांचे में ढल जाएंगे। अवसर पर जो बात कही जाती है लगती है। तब समझाने लग गए, पिताजी अभी तक हमने वेदों में पुराणों में शास्त्रों में सत्संग में यही पढ़ा है सुना है समझा है, असार खलु संसारो, ये संसार असार है, असार माने काम की चीज निकलने वाली, इसमें कुछ नहीं दिखती है। कैसा असार है, आपने केला का पौधा देखा होगा, कभी जरूरत पड़ी होगी सजावट करने के लिए, चाहे घर में पूजा वूजा कराने के लिए, तो केला का खंभा काट के लाए होंगे ना, दिवाली के दिन बहुत सजाते हैं लोग अपना अपना दरवाजा, केला के खंभा को आप काट के लाइए, जिसमें अभी न फूल लगा है न फल लगा है, और उसके बाद उसको आप छीलना शुरू करिए, उसका छिलका उतारना शुरू कीजिए, किस लिए कि निकालते निकालते छिलका उधार उखाड़ते उखाड़ते छिलका ओकाचते ओकाचते और अंत में जो लकड़ी निकलेगी
उससे हम एगो पलंग बनवा लेंगे, उससे हम केवाड़ी बनवा लेंगे, उसमें से इमारती लकड़ी नहीं निकलेगी। तब सोचिएगा कि अच्छा इनमें से तो कुछ ना निकलल, खाली छिलका छिलका भुकला 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 ओकर छाले छाल निकलत रह गया। अच्छा कोई बात ना, तब ये का हो इतना तो केहू कहल जे घूरा पर फेंक दो। ना घूरा पर काहे के फेंकब, इनका के सुखवाइब आ सुखवा के चूल्हा में झोंक बढ़िया रसोई बनी। कम से कम जलावन के तो काम करी तो केरा के पतई और छिलका जलावन के लायक भी नहीं होगा, वो भुर करके जलेगा सैठा जाएगा। जैसे केला के खंभा में कितना भी छिलका उतारते जाइए न लकड़ी मिलेगी और न उसमें आपको रसोई बन पाएगी न इमारत बन पाएगी। इसी तरह से संसार को आप उकाचते जाइए, बखिया उधेड़ते जाइए, खलड़ी उधेड़ करते जाइए तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। हाँ उसमें एक ही सार निकलता है, छोड़ दीजिए अपने आप परमात्मा की कृपा से प्रकृति की कृपा से उसमें घोद निकल आया। पहले फूल निकलेगा, फिर फल छेमी लगेगी, फिर पुष्ट होगा, फिर पकेगा, तब वो तो काम आ सकता है। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम से चूर्णकम, नहीं तो केला के पौधे में कुछ सार निकलने वाला नहीं है। जिकरा घर में कोई केला के पौधा ना होके उधेड़े नहीं हो, उनके लिए एक दूसरा उदाहरण दें। गरीबों के घर में माटी के कोठिला बनता है, जब तालाब सुखाने लग जाता है तो उस तालाब की माटी कीचड़ उठा उठा के लोग लाते हैं और खूब चारों ओर गोल 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 पारते हैं, एक पर दूसर का पर तीसर का पर चौथ का करते करते एगो माटी के कोठिला तैयार कर लेते हैं। कोई आकर के कहे कि अहो एक कोठिलवा के कब धोले बाड़ू कि ना, अतना नहीं ही धोले है, बर्तन धोई के साफ सुथरा रखे के चाहिए। अब ई कहली कि अच्छा तब हम रगड़ रगड़ के लूणा से अब इनका क्या धोई के हम साफे कर। अब बताई सब है वो माटी के कांच माटी के गीला कपड़ा अथी पाकी के बनावल बनावल सूख गए होके कितनों दिन के होके, अब उनका के लूणा से पानी से धोई धोई के माज माज के का ओकरा में से निकली कीचड़ छोड़ के और कुछ निकलने वाला नहीं है। इसी तरह से बंधुओं इस असार संसार में, हम नहीं कह रहे गोकर्ण जी कह रहे, असार असारा खल संसारो खलु नाम, निश्चित रूप से यह संसार असार है, दुख रूपी है, विमोह का है, व्यामोह में डालने वाला है। न चिंद्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को भी सुख नहीं है। सोचते हैं कि हम तो इंद्रासन पर बैठे हैं, रंभा मेनका तिलोत्तमा उर्वशी का नाच देख रहे हैं, कभी कभी उनको गले भी लगा लेते हैं, चुम चाट भी लेते हैं और इनके गान तान टप्पे सुनते हैं और पारिजात का फूल सूंघते हैं, नंदन बन की सैर करते हैं, विमानों पर उड़ान भरते हैं, हमको किस बात का दुख है। का कि रह घबड़ा मत, रावण आ रहा बा गदा लेकर के, आय दादा रावण आवत सुने सको रावण आवत सुने। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो देवन तके मेरु गिरी खो देवन तके मेरु गिरी खो।
भागो भागो भागो, क्यों? बोले रावण आ रहा है। अब रावण के डर के मारे पर्वत की कंदराओं में जा जा करके छिप रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? कभी बेटा कुकर्म करके आया जयंत, बेटा तो है जय इंद्र को, लेकिन कैसन बेटा? अतः भगवान श्री राम के प्राण वल्लभा सीता जी के चोंच मार के, इतना जोर के चोंच मरलस कि खून के धार चल गए। तब चला रुधिर रघुनायक जाना, तब राम जी को हुआ कि ए खून कैसे? मालूम हुआ कि इंद्र के बेटा जयंत ने कौआ का रूप धारण करके है तेरे ऐसा बेटा के सत्यानाश हो। देवराज कहलाते हैं। अब बेटा कैसा मिला? कि भगवान से विरोध करने के लिए चला गया, जगदम्बा को ही सताने के लिए चला गया। इसके बाद जब राम जी ने सीक का बाण चलाया और ब्रह्मास्त्र बन करके चला, तो पहले तो बाप के पास गया, इंद्र के पास में, बाबूजी बचाओ। कहा रे कैसे बचाओ? कहा भाई अत हम राम जी के प्राण वल्लभा सीता जी के चोंच मार के खून निकाल के भागल बानी है, वो हमारा पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ ले बाण। बाप कह रहे भाग नालायक, कहीं की तू ही हमारा बेटा रूप में जन्म के रल हो, भाग यहां से, ऊपर पर जहन्नुम में जा। काहू बैठन कहा न वही, ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मधाम शिवपुर शंकर भगवान के पास भी गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भैसो का, काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है? अब बताइए, इंद्र का बड़ा आत्म शांति मिल गई होई, धन बेटा ऐसा नाम कमैल, अरे तेरे ऐसे बेटा में आग लगे। यही बात आज खुल करके श्री गोकर्ण जी बता रहे हैं अपने बाबूजी को, आत्मदेव शर्मा को, पिताजी न चंद्रस्य सुखम किंचित, न इंद्र को सुख है, न सुखम चक्रवर्तिनः, न चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुखमस्ती किसको सुख है? बोले सुखमस्ती विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। चल के देखिए नीलगिरी पर्वत पर बैठे हुए काग भसुंडी जी जैसे महात्मा कितने सुखी कि शंकर भगवान भी वहां जाने के लिए लालायित रहते हैं। चल के देखिए सुखदेव जी के पास क्या है, न कलम है, न कागज है, न स्याही है, न दवात है, न घर है, न मकान है, न लंगोटी है, न ऊनी सूट है, और क्या मस्ती में खुल गए दिशाओं के फाटक। कोई रोक थाम अब हमें नहीं, चाहे तो बरसों पड़े रहें, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचल और अचल दोनों सब संग, किंतु संग को गहे नहीं। हम सांसाह निर्द्वंद सखे, सब सहले कुछ भी सहे नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बे परवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सांसा। ये गोकर्ण जी बोल रहे हैं, न चंद्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्त विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। एकांत जीवी संत जन सुखी हो रहते हैं। आप धन के लिए अब तक रोते रहे और पुत्र के लिए अब तक रोते रहे, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कौन कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसका धन, कौन किसकी संपत्ति? जो कहीं स्नेहवान बन जाता है दुनियादारी के प्रति, तो ज्वलते निशम, वो दिन रात ज्वाला में जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, कुफुत में जलता ही रहता है। अगर भला चाहते हो तो पिताजी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मोह तो नर के गति ही। आप प्रजा से सुख मिलेगा, इस अज्ञान रूपी, इस मोह रूपी अंधकूप से आप निकलिए। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मोह तो नर के गति,
मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है तो उसकी नरक में गति होती है। निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, ये शरीर एक दिन छूटेगा। चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का जोगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे हो निर्बल रोगी, चाहे हो सर्वस्व का त्यागी, चाहे हो सर्वस्व भोगी, जिसकी बरही हो चुकी है एक दिन उसकी तेरी भी होगी। बरही मने जन्म के बाद छठी बरही, बारहवां दिन का प्रतिबोध, और तेरही मने मरने के बाद काम क्रिया के दिन। कितने लोगों को खिलाया जाता है, अरे जिसकी बरही हुई है उसकी तेरही भी होगी ही, मने कि जो जन्मा है वो मरेगा, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, लेकिन दोनों में फर्क है, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जो धर्म पूर्वक लोगों का उपकार करते हुए परमात्मा को रिझाते हुए जो शरीर छोड़ते हैं, वो तो परीक्षित जी की तरह शरीर छोड़कर विमान पर बैठ करके आत्मा भगवत धाम को जाती है, और दूसरे धुंधकारी जैसे लोग बंधे जंजीर, इनको तो नरक वाले भी नहीं ले जाते हैं। आगे आप सुनेंगे, नरक वाले भी नहीं ले जाते हैं इनको, कहीं ठिकाना नहीं मिलता, न स्वर्ग में गए न नरक में गए, शरीर रहने लायक रहा नहीं, अब वो आत्मा कहाँ जाएगी, यही तरह बउवाद फिरते भूत प्रेत पिशाच बनकर। इसलिए पिताजी निपतिष्यति देहोयम, एक न एक दिन ये शरीर छूटेगा, इसलिए सर्वम त्यक्त्वा, छोड़िए जगह जमीन घर मकान रेहन कबाला सब छोड़िए, और छोड़ करके वनम ब्रज, कौन वनम, वृंदावनम, चित्रकूट वनम, ऐसी जगह पर जाइए, नैमिषारण्य वनम, वहां संत मिलेंगे, उन संतों के यहाँ कथा सुनने को मिलेगी, आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। और जैसे मोटर सर्विसिंग स्टेशन पर कपड़ा गंदा होता है, तेल मोबिल करखी, और वही धोबी के यहाँ जाता है तो साफ हो जाता है, इसी तरह से कुसंग में आत्मा गंदगी गंदी होती है, और सत्संग में जाइएगा तो आत्मा पवित्र होगी, फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप दूसरों के आंसू पोंछने वाले हो जाइएगा। आज समय अधिक हो रहा है, इसलिए आज की कथा यहीं विश्राम ले रही है। अभी जो समस्त भागवत का सार निचोड़ दो श्लोक में गोकर्ण जी समझाएंगे पिताजी को, वो कल होगा, बहुत उपयोगी वार्ता। सीमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्तम, एक तो ये, और धर्मम भजस्व सत्तम त्रिलोक धर्मान, ये दो श्लोकों में गोकर्ण जी जैसे पंडित ने पूरे भागवत का निचोड़ पिताजी के कानों में टपका दिया है, और उतने ही से पिताजी को वो सुख वो शांति मिली कि धुंधकारी जैसे लाख करोड़ पुत्र भी हो जाते तो नहीं दे सकते थे। आज की कथा यही भी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। विश्राम ले रही है, और कल आगे की कथा सुनने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। प्रोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मोहरो रसिका भूविभावुका। श्री प्रभु कृपा से हम लोग श्री श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा की चर्चा कर रहे हैं। सर्दी जोर की पड़ने लग गई है, हवा भी बड़ी तीखी चल रही है, फिर भी आप अपने घरेलू काम धंधों को छोड़ करके
यह समझते हुए भी कि सूर्यास्त होने के बाद लौटना पड़ेगा, आप कथा के प्रति इतनी रसिकता, उत्सुकता और अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए पधार रहे हैं। आपके इस उत्साह को, इस रसिकता को, इस श्रद्धा को, इस प्रेम को धन्यवाद है। भगवान करे यह आपका कथा के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति यह प्रेम आपका उत्तर उत्तर बढ़ता रहे। एक बार श्री सीताराम विवाह महोत्सव में श्री वृंदावन वाले श्री पुराणाचार्य श्री पंडित श्री श्रीनाथ शास्त्री जी पधारे थे। उस साल कोहरा खूब पड़ा, ठंड भी पड़ी, तो एक तो उनकी भावना ये हुई कि यहाँ का पंडाल कभी खाली नहीं होता है, जब देखो तब तुलसीदास पुनि भरे ही देखिए राम कृपा चितवन चिते। दूसरी बात, चलते चलते उन्होंने कही थी कि यहाँ के लोग ठंड से नहीं डरते हैं, यहाँ के लोगों से खुद ठंड ही डरती है। बड़ा अच्छा लगा आपका यह उत्साह सराहनीय है। आइए अपने प्रसंग पर, आप सुन चुके हैं कि श्री भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो चुका है, ज्ञान वैराग्य को संपुष्टि मिल चुकी है, वे भी कथा तक आ चुके हैं और उन्हें कथा में जगह कहाँ मिली है, भक्तों के हृदय रूपी कमल में विराजो और कथा सुनो। नारद जी को प्रसन्नता हुई, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में भक्ति और जहाँ भक्ति वहाँ भगवान। एक बार मैं अयोध्या जा रहा था, सीधी गाड़ी नहीं मिली जो यहाँ बिठावे और वहाँ उतार दे, गाड़ी बदल के जाना था। बनारस से भी आगे कोई जंक्शन मिला जो जहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। हम पहली गाड़ी से जिससे गए थे उतर गए, दूसरी गाड़ी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे प्लेटफार्म के एक बेंच पर बैठ करके। एक सज्जन आए और आते ही मैं भी बैठ जाऊँ यहाँ, हाँ हाँ आइए आपके लिए बेंच बना है। बैठते बैठते उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ जाना है आपको। मैंने कहा श्री अवध। उन्होंने पूछा कि अवध कहाँ है। मुझे आश्चर्य हुआ कि अयोध्या के इतना निकट रहने वाला व्यक्ति ये अवध नहीं जानता है, क्यों पूछ रहा है कि अवध कहाँ है। ये भौगोलिक धरातल से नहीं पूछ रहा है कि यहाँ से पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है, कितना किलोमीटर दूरी पर है, ये किसी और धरातल से पूछ रहा है। तो हमरे राम ने रामायण की, रामचरितमानस की एक चौपाई ध्यान में आ गई श्री किशोरी जी की कृपा से और वही पढ़ दिया। ये किनके बच्चे हैं भाई कि अवध तहां जहां राम निवासु, 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 तहां दिवस जह भानु प्रकाशु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। आपका प्रश्न ऐसा ही है जैसा कोई पूछे कि दिन कहाँ, दिन कहाँ, बोले जहाँ सूर्य नारायण चमक रहे हैं वहीं दिन है।
ऐसे ही आप पूछते हैं कि अवध कहाँ, बोले अवध वही है जहाँ श्री राम जी विराज रहे हैं। ऐसे ही आज आपसे पूछा जाए भगवान कहाँ, ब्रह्म कहाँ, बोले सब जगह। भगवान कहाँ, बोले ब्रह्म में भगवान में अंतर होता है क्या, बोले कि जो दिया सलाई में और आग में अंतर होता है वही ब्रह्म में और भगवान में अंतर होता है। बता चुका हूँ ब्रह्म व्यापक होता है, निर्गुण होता है, निराकार होता है, निष्क्रिय होता है, और भगवान सगुण होता है, साकार होता है और सक्रिय होता है। पानी में और बर्फ में क्या अंतर है, पानी ही तो जम जाता है तो बर्फ बन जाता है ना, कब बर्फ कहलाने लगता है, तासीर भी बदल जाती है। इतना पानी हम आप पर फेंक दें तो आपका मत्था नहीं फूटेगा, भींग जाइएगा, लेकिन उतना ही पानी अगर जम के बर्फ का ढेला हो गया हो और वो हम आपके माथे पर फेंक दें तो मत्था फोड़ देगा। इसी तरह से ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, वो सब जगह हो सकता है। कुल जहां में तेरा जलवा है, कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवा अगर कोई नहीं, हर अफसर का तुम अफसर है पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान तुझसा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं, परमेश्वर तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी स्वामी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं, तू सबके अंदर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं। ब्रह्म सब जगह है लेकिन भगवान कहाँ, तो जैसे दिन कहाँ जहाँ सूरज नारायण है, अवध कहाँ जहाँ श्री राम का निवास है, और श्री राम कहाँ, भगवान कहाँ, बोले जहाँ भक्ति वहीं भगवान। सीधा सा उत्तर है, जहाँ भक्ति वहीं भगवान। आप सुन चुके हैं कि भक्ति महारानी वृंदावन से चल करके कथा में आई, पूछा कहाँ रहूँ, बोले भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में भक्ति विराजमान हो गई। नारद जी का संकल्प पूरा हुआ और भक्तों के हृदय में भगवान को देख करके विराजमान, और भगवान के पार्षद लोग भी वैकुंठ छोड़ करके आ गए, वहाँ कथा में विराजमान हो गए, कथा सुनने लग गए। नारद जी ने कहा कि भक्तिमान धर्मात्मा लोगों को तो मैंने देखा, लाभ हो गया कथा से, लेकिन जहां दिन वहीं सूर्य, जहां अवध वहीं, जहां श्री राम वहीं अवध, और श्री राम कहां वे भगवान कहां, बोले जहां भक्ति वहीं भगवान। तो भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान हो गई हैं, इसलिए भगवान भी सबके हृदय में सगुण साकार होकर के विराजमान हो गए। नारद जी ने देखा भक्तों का तो कल्याण हुआ, भक्तों को तो लाभ हो गया, पापियों को भी कभी लाभ हो सकता है क्या, बोले हाँ, किसी पापी का हुआ है, बोले कि धुंधकारी का कल्याण हुआ है। ये धुंधकारी कौन है, परिचय कल आपको मिल चुका है, कल और परसों दो दिनों में दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे के एक नगर के रहने वाले पंडित आत्मदेव शर्मा का, उनका तो कैसे कह सकता हूँ, लेकिन कहलाता था तो किसी और का, उनके साढ़ू साहब का बेटा था। साढ़ू साहब भी ऐसे ही रहे होंगे, सड़वाइन तो जैसी है परिचय दे ही गई है, पति से झूठ बोल दिया, दीदी कह दिया जी फल खा लेनी, और फल बोले गैया के खिया दो, तो सड़वाइन भी वैसी ही थी, साढ़ू भी वैसे ही रहे होंगे, तभी तो धुंधकारी ऐसा नीच प्रकृति का हुआ। कहावत है गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।